नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। कहते हैं राजनीति बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, कहते हैं राजनीति अच्छी नहीं होती, कहीं के लिए अच्छी कहीं के लिए बुरी, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन कुछ तो बात है राजनीति में, यूं ही कोई नहीं उम्र पड़ता है कि हमें राजनीति में ही जाना है, हमें मंत्री ही बनना है, हमें चुनाव ही लड़ना है। अभी की बात हम बता दें, अभी कुछ घंटे पहले की, कि अभी जैसे बिहार में चुनाव का दौर जारी है और ये सबको पता है कि चुनाव होना है और 10 नवंबर को चुनाव का नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन आज ही कुछ घंटा पहले शिवहर जिले की यानी बिहार के शिवहर जिले के दो नेता की यानी दो उम्मीदवार की हत्या कर दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं। कहाँ गई राजनीति, कहाँ गई वो सपने, कहाँ गए वो समाज सेवा, कहाँ गया वो चीज हौसला, जिसने कराई हो मर्डर, जिनका हुआ और जिसने किया, ये तीन बातें हैं सामने में और खुलकर सामने हैं। तो कहते हैं पहले कभी कभी लोग कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। कहाँ चला गया वो चीज़, कहाँ चला गया वो आरजू, वो बिंदी जो ईश्वर से मांगा करते थे। उस समय इतने सुदामा थे और इतना ही मांगते थे, जरूरत बत जितनी जरूरत है उतना ही मुझे दीजिए, हम उतने में ही संतुष्ट हैं। लेकिन आज संतुष्टि तो बिल्कुल ही गायब होती नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं हो तो उसको हटा दो, उसको हटा दो, बिल्कुल रास्ता साफ कर दो, सिर्फ हम ही हम हों। हम तो कहते हैं कि दुश्मन को अगर मार ही दोगे तो फिर दुश्मनी किससे करोगे। दुश्मन को अगर कोई मारे भी तो दुश्मन को बचा लेना चाहिए, गले लगा लेना चाहिए और उसको जीवित रखिए, तभी वो जलेगा आपसे और आप उससे जलेंगे और दोनों में कंपटीशन होगा। यानी कंपटीटर को ही अगर आप खत्म कर देंगे, मरवा देंगे, तो फिर कंपटीशन का है कि आप ही सर्वे सर्वा हो जाइए ना, क्या मतलब है। कहते हैं घर हो, समाज हो या समाज से बाहर का कोई चीज हो, यानी कि अपना स्टेट हो या स्टेट से बाहर की चीज, हत्या नाम की चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, बहुत शर्मसार करती है। आज पूरे बिहार को शर्मसार कर गया ये दो हत्या। अभी तो आरंभ है, अभी तो चुनाव का दौर है, आरंभिक दौर में है और लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, लेकिन जलन काहे के लिए। कहीं आपको भी मिला इतने वर्ष करने के लिए, कभी उनको मिला, कभी उनको मिला, जितने पार्टी हैं उतने नेता हैं, उतने नेता के उम्मीदवार भी हैं, सबको बराबर हक है। अब जीत मुंह से कीजिए, जीत काम से कीजिए, समाज सेवा से कीजिए, वो पब्लिक पे छोड़ दीजिए, पब्लिक किसको जिताती है। ये नहीं कीजिए कि गोली और बंदूक, बहुत खराब लगता है, बहुत तुच्छ चीज़ें लगती हैं कि आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। आने वाले अनुज क्या सोचेंगे, इसीलिए क्या आज़ादी मिली थी, हमारे पूर्वज ने गोली खाई थी, इसलिए खाई थी अंग्रेजों से कि ताकि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए, और जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो आज़ादी मिल जाएगी, सब लोग शांतिपूर्ण जीवन जियेंगे, और वह खुद को शहीद करती है। क्या शहीद की यही निशानी होनी चाहिए, यही शहीद को मुट्ठी भर लेकर के इतिहास को हम दौड़ते रह जाएंगे कब तक। 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चुनाव के क्रम में सिर्फ लोग भूल जाते हैं और जाते हैं दरवाजा खटखटाने के लिए, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लिस्ट देखिए बारी बारी से, इतनी सारी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, क्या किया। अगर आप सभी लोग अगर कुछ करते या करने वाले होते, अगर दिल से करते, तो आज भारतवर्ष की बात कर देना तो भारतवर्ष में गरीबी नाम की चीज़ नहीं होती। आज कोरोना वायरस की महामारी में अभी देखा गया है कि इतने सारे गरीब, गरीबों पे जो गाज गिरा है ना, ये भुक्तभोगी जान सकता है या फिर जिनके पास दिल होगा वही समझ पाएंगे। बाकी बहुत सारे नेता चुप्पी लाद गए, कुछ कहने का नहीं, स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग जाते रहे, रात भर उनको होल्ड करना पड़ा, इस स्टेट में आपको एंट्री नहीं देंगे, नहीं आ सकते, दो दो दिन बेचारे भूखे प्यासे वहां पे पड़े रह गए। क्या इसी मर्म के लिए यही नेता है आज के, यही है सुभाष चंद्र बोस और यही है 14 वर्ष के खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को देख लीजिए, 14 वर्ष का वो लड़का उस समय, आज वो महान है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जिन्होंने गोली खाई और कह दिया, हंसते हंसते फांसी लिया और कहा कि झुकेंगे नहीं, चूंकि हमने गलती नहीं की मार करके। क्यों? इसलिए वो 14 वर्ष का बच्चा फांसी पे चढ़ गया, वो खुदीराम बोस हमारे पूर्वज, सिर्फ इसलिए कि हम लोग को आज़ादी मिले। लेकिन आज क्या हो रहा है, दो नेता उधर मर रहे हैं, न जाने कितने सारे अभी आएंगे, अभी तो लाइन लग रही है, मारने वाले जो हों, कहाँ कहाँ सीबीआई जाएगी, कहाँ कहाँ खोज करेगी, कहाँ कहाँ देखेगी,
सीबीआई तो बिल्कुल आम नजर आ रही है आज। कुछ भी हो सीबीआई, कुछ भी हो सीबीआई, क्या हमारी स्टेट की पुलिस सोई हुई है? स्टेट की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि वो दबाव में है। तो लोग कहते हैं सीबीआई की को ही भेजिए, सीबीआई का ही डिमांड होता है, कहाँ कहाँ जाए सीबीआई, हर पूरे देश में सीबीआई भर दीजिए। लेकिन बहुत शर्मसार करता है, जहाँ जहाँ चुनाव अभी होना है, हम ही हम हो यह कैसी पुकार है, जनता पे छोड़िए किसकी जीत होगी और किसका हार होगा। मुट्ठी भर नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। लोग लेते हैं, फंड की कमी नहीं है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात कर लीजिए तो फंड की कमी है कहाँ, फंड तो इतना सारा आता है। इसीलिए कभी कभी कहा था, कभी हमने पढ़ा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे पूर्व पीएम थे, उनकी बातें हमने सुनी थी कहीं, कि उन्होंने अपने भाषण में कहीं पढ़ा था या मैंने सुना था, वो काफ़ी पुरानी बातें हो गई, काफ़ी दशक पुरानी बातें हो गई। उन्होंने कहा था कि केंद्र से जो राशि चलती है, चल के 10% भी अगर राज्य में आ जाए तो राज्य से गरीबी बहुत ही दूर हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि 10% भी कहाँ पहुँच पाता है उनके पास। कहने को बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन क्या आ पाता है? कितने जितने लोग की बेरोजगारी आप देख लीजिए, उनकी शिक्षा को देख लीजिए, शिक्षा का स्तर गिरा है। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हमारा देश कंगाल होते जा रहा है, सिर्फ राजनेताओं की पेटी भर रही है और भरती रहेगी। अभी नोटबंदी के समय में देख लीजिए कितने लोग का मुँह सूख कर इतना सारा हो गया था, इसलिए कि वो नोट को करते क्या, इतनी सारी बर्बादियां हुई। उसके पहले आप देख लीजिए, जब सीबीआई की छापा पड़ती, इतना का इतना नोट होता अपोजिट पार्टी के द्वारा, एक सरकार बनती है, दूसरे का हाल खस्ता कर देती है, दूसरा फिर बनता है, फिर 10-15 वर्षों में फिर वही चीज होती है। हर आदमी किसको कहा जाए ईमानदार और किस में कहा जाए कि ईमानदारी का तगमा है या उसको जनता पहना दे, जनता तो गुमराह हो रही है। जनता क्या करे और क्या ना करे, सिर्फ चुनाव के दौर में एक महीना जब बाकी होता है चुनाव का, तो सारे लोगों को याद आ जाती है अपनी कुर्बानी, सारे लोगों को याद आ जाती है अपनी कुर्सी की कहानी, कैसे लोगों को गोल गोल घुमा करके, गोल गोल मीठा मीठा बोल करके, और 5 साल के लिए फिर अपनी आरक्षित कर ले अपनी कुर्सी को, और फिर 5 साल के बाद तो फिर गुमराह करेगी ही जनता को, जनता को मीठी बानी बोलेंगे और भावविल हो जाएगी जनता और वोट देगी। यही चीजें चल रही है और इसी चीजों में आज बिहार के 2 नेता मारे गए। क्यों? सक्षम है तो मुंह से लड़िए, सक्षम है कलम से लड़िए, आगे बढ़िए, अपनी बातों में मिठास लाइए, अपने कार्य में मिठास लाइए, कुर्बानी दीजिए। एक दिन से नहीं होगा, एक महीना से नहीं होगा, पूरे 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब 5 साल मेहनत करेंगे तो बहुत सारे लोगों को देखा गया, बिहार की बात हम कर दें कि वो राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लोग निर्दलीय भी जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? कहीं तो किसी पार्टी से उनको टिकट नहीं दिया जाता, फिर भी वो निर्दलीय जीतते हैं। क्यों? उनकी अपनी शान होती है, अपनी शौकत होती है, अपना कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ से जीतेंगे तो जीतेंगे, और जनता उनको जिताती है। क्यों जिताती है? जनता को कार्य चाहिए, आपकी कुर्सी नहीं चाहिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए, न जाति, न धर्म, न कुर्सी, न आप, कुछ नहीं। घर के लोग अगर 2 रोटी नहीं देंगे तो जनता, तो मेरा दावा है कि घर वाले को भी नहीं जिताएगी। क्यों जिताएगी अगर घर वाले से 2 रोटी नहीं मिलेगा तो? लेकिन आपको जिताती है तो कुर्सी पाने की एवज में ऐसा तो गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। शर्मसार होती है आज पूरे इंडिया में, अभी देख लीजिए तो बहुत सारे लोग शर्मसार हुए हैं, जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी बहुत सारे बिहार वाले हैं जो शर्मसार हुए होंगे ये चुनाव में। आखिर चुनाव के दौर में जितने भी वहाँ पे खड़े हैं वो कौन होंगे? बिहारी ही होंगे। नेता भी बिहारी, मारने वाले भी बिहारी, मारने जो मर गए बेचारे वो भी बिहारी, सब तो बिहारी है, सब भाई बहन है। लेकिन फिर ऐसा जुर्म क्यों किया जाता है? सिर्फ इसके लिए, सिर्फ गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए? एक कुर्सी के लिए इतना माना मारी, आखिर क्या रखा है इस कुर्सी में? तो मैंने सुना है, बहुत करीब से मैंने सुना है कि सारे पैसे को अगर जब तक नहीं रखेंगे, चूंकि क्या होता है, कुर्सी बिकती है, सीट बिकता है, अगर सीट लेना हो तो करोड़ों करोड़ों में सीट को खरीदना पड़ता है, और सीट कहाँ से खरीदिएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है? तो समाज सेवा तो यही गया ना, तो पैसा बचाओ, चोरी करो, और फिर अगले वर्ष के लिए, 5 साल के लिए आपको बचा के करोड़ों रुपए रखने पड़ते हैं कि ताकि हम जिस पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे उस पार्टी में सबसे ज्यादा पैसा हम देंगे तो वहां का टिकट हमको मिलेगा। पैसा नहीं देंगे, टिकट नहीं मिलेगा, जाहिर सी चीज है। पुराने वर्ष की भी बात आप कर ले, 5 वर्ष पुराने में अगर चले जाइए तो कितना इस पे आया था, उस पे आप देख लीजिए न्यूज में, कि हमने इतना पैसा में खरीदा, हमने इतना, लोग बोलते भी हैं,
बखूबी आप सुनेंगे। आप चले जाइए राजनेताओं के बीच में, जो बातें होती है तो खुलकर सामने आ जाएगी। बाबा हमको तो छोटे छोटे चीज के लिए, वो मुखिया का चुनाव हो या फिर वो जिसका भी चुनाव, एबीसी आप ले लीजिए, उसमें किसी का नाम नहीं कहेंगे। लेकिन पार्टी कहाँ तक, मुट्ठी भरे इंसान को अगर आप अलग कर दीजिए पूरे भारतवर्ष से, तो कितने पार्टी बची हैं, कितने लोग बचे हैं जहाँ ईमानदारी का चुनाव होता है और ईमानदारी से लोग कुर्सी पर जीत करके बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए।